प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 आरोह भाग 2 का अध्याय 11 महादेवी वर्मा का संस्मरण भक्ति, जिसके दो भाग हमने पूर्व में पढ़ लिए। पूर्व के जो दो भाग हमने पढ़े उनकी एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। पाठ परिचय से लेकर जो भाग हमने पढ़े वहाँ तक भक्ति महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, जो स्मृति की रेखाएं हैं। लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने देखा था भक्तिन का स्वरूप, जो उसकी भक्तिन थी, एक तरह से नौकरानी थी, उसका स्वरूप। भक्तिन बहुत ही छोटे कद की दुबले पतले शरीर वाली स्त्री थी। उसके अधर पतले थे, आंखें छोटी थी, गले में कंठी माला पहनी थी। नाम लक्ष्मी था, किंतु उसने अपनी स्वामिनी यानी महादेवी वर्मा से प्रार्थना की थी कि वह मेरे इस लक्ष्मी नाम का प्रयोग न करें। गले में कंठी माला देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जो सेवा धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करती थी, यानी हनुमान जितने भक्त थे उतनी भक्त वह थी। भक्तिन के जीवन का पहला भाग में हमने देखा था ऐतिहासिक झूसी गांव के एक अहीर की इकलौती बेटी लक्ष्मी, जिसका नाम लेखिका ने भक्तिन रखा था, का लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में ही उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ कर दिया जाता है। 9 वर्ष की उम्र में उसे गोना हो जाता है, यानी वो पहले बार अपने पति के घर चली जाती है। भक्तिन की विमाता यानी सौतेली माता उसके पिता की मृत्यु का समाचार देरी से उसके पास भिजवाती है। उसकी सास रोने धोने के अपशकों से डरकर ये कहकर पीर भेजा कि बहुत दिन हो गए, एक बार अपने पियर जाकर सबको देख कर आ जा। जब वह अपने पियर अपने विमाता से जाती है तो विमाता का कटु व्यवहार और पिता की मृत्यु का समाचार उसे समय पर नहीं मिलने के कारण वह वापिस बिना उस घर का पानी पिए अपने ससुराल वापिस आ जाती है और अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा इसका दूसरा परिच्छेद। जीवन के इस भाग में भी भक्तिन को सुख नहीं मिला। जब उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई थी तो सास व जिठानियों ने उसकी उपेक्षा करती हुई प्रारंभ कर दी। सास के भी 3 कमाऊ बेटे थे, जेठानिया के भी पुत्र ही थे, अतः जेठानिया मौज करती थी। उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम चक्की चलाना, कूटना, खाना बनाना आदि पूरा का पूरा काम भक्तिन करती थी। उसकी छोटी छोटी लड़कियां गोबर उठाती, उपले बनाती, इसके आगे आज हम किताब से पढ़ेंगे। यहाँ तक का भाग हमने पिछले ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते,
वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उन उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। कंडे मतलब गोबर के उपले, जिनको अपने अपनी भाषा में थेपड़ी कहते हैं, वो बनाती। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रख कर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओढ़ते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे घुघरी चबाती। यानी उसकी जो जिठानियां थी, वह अपनी लड़कियों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देती, जबकि जो उसकी लड़कियां थी उनको गुड़ और चने चबाने पड़ते थे। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल यानी पैसे डालने का स्थान जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की रणनीति, चुगली चबाई का मतलब होता है निंदा और बुराई करना, परिणीति उसके पति प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कुटी जाती थी, पर उसके पति उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। यानी भक्तिन की जेठानियाँ उसे ताना मारती, उसके साथ दुर्व्यवहार करती, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती, लेकिन उसका पति उसे बहुत अधिक प्रेम करता। वह अपनी पत्नी की परिश्रमी और मेहनत को अच्छी तरह से जानता था और समझता था, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखाया। अलगोजा का मतलब है बंटवारा, घर का, खेती का, जायदाद का बंटवारा उसकी पत्नी ने करवा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई यानी आम के पेड़ आदि के संबंध में उसका ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह उससे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया था। कहने का मतलब ये है कि भक्तिन के परिवार में जब उसकी जिठानियों ने उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, लेकिन पति के प्रेम के कारण और पति के प्रेम और पति के साथ के कारण उसने अपने घर में अपने जिठानियों के साथ बंटवारा करवाया। बंटवारों में उसको गाय, भैंस, खेत, आम के पेड़ आदि बहुत कुछ मिले। उनका उसने हमेशा काम किया तो उसे उसका ज्ञान भी बहुत अच्छा था। ऊपर से उसने अपने जिठानियों को असंतोष दिखाया, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश थी कि वह इन सब से ही सोना उगलेगी। और दोनों पति पत्नी ने अपने बंटवारे की वस्तुओं के साथ निरंतर लगातार प्रयास किया और धीरे धीरे यही सभी चीज़ उनके लिए सोना बन गई, यानी लाभ ही लाभ देने लग गई। खूब पैसे वाले धनवान हो गए। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलते हुए, घरौंदा यानी मिट्टी का बना हुआ एक, जो मिट्टी के बने हुए जो होते हैं उनको खेलते हुए, दो कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ले ली। यानी उसके पति की मृत्यु हो गई और उनका पति उनके पीछे एक लड़की की शादी कर दी, लेकिन दो छोटी छोटी लड़कियां
और 29 वर्ष की पत्नी को छोड़कर संसार से चल बसा। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहकर उनका घोर अपमान है। तो आज हमने पढ़ा कि भक्तिन ने परिवार में किस तरह से रहती थी, उनके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार होता था, पति के साथ उसका कैसा रिश्ता था, पति के प्रेम के बल पर उसने अपने घर का बंटवारा करवाया और उस बंटवारे से दोनों पति पत्नी ने मेहनत कर कर बहुत अच्छा धन कमाया। उसके बाद उसका पति अपनी पुत्री का विवाह कर कर दो बच्चों को और उसे छोड़कर दुनिया से विदा ले ली। इसके आगे का जो भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।